हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वेलकम टू प्रियू भारद्वाज मोमीज हेल्थ एंड प्रेगनेंसी टिप्स। फ्रेंड्स, हमें प्रेगनेंसी के दौरान से ही सही देखरेख और खान पान की बहुत आवश्यकता होती है ताकि हमारे शिशु का वज़न सही रह सके, क्योंकि कम वज़न में शिशु को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। तो आज की वीडियो में हम आपको कुछ इसी विषय में बात करने वाले हैं, यही बताएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। डिलीवरी के समय शिशु का वज़न 2.5 किलो से कम नहीं होना चाहिए। 2.5 किलोग्राम से कम वज़न का शिशु कुपोषण की श्रेणी में आ जाता है और उसकी विशेष देखभाल की ज़रूरत हो जाती है। हालांकि देखा जाए, आपकी डिलीवरी गर्मी के मौसम में हुई है तो आपके बच्चे को 2 किलोग्राम वज़न में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। बस आप अपने आप से बच्चे का थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखना होगा और अपने खान पान पर भी विशेष ध्यान देना होगा। यदि आप स्तनपान कराती हैं तो थोड़ा परेशानियों का सामना आपको सर्दी के मौसम में करना पड़ सकता है, क्योंकि कम वज़न के बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो सकती है। सर्दी, नमूनिया जैसी बीमारियां हो सकती हैं जिससे बचाने के लिए डॉक्टर बच्चे को कुछ समय के लिए, मतलब 4 से 5 दिनों के लिए बच्चे को मशीन में रख सकते हैं। इसीलिए कोशिश ऐसी करें कि बच्चे का वज़न ज़्यादा कम नहीं हो। 2.5 किलोग्राम से कम बच्चे का वज़न नहीं होना चाहिए। हालांकि हो जाए तो आपको परेशान नहीं होना है, इसीलिए आपको प्रेगनेंसी के दौरान प्रोटीन युक्त आहार और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। थैंक यू।